अलैकुम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से मैं मोहम्मद सुहेब फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारे चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हो जाए। तो वीडियो को चेक करते हैं स्टार्ट। जो वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ उसमें मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा 10 मरला के प्लॉट्स बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन में। बहरिया ऑर्चर्ड की अगर हम पहले लोकेशन की बात करें तो ये मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर है, अप अड्डा प्लॉट पर जहाँ पे डिंग रोड का इंटरचेंज है वहाँ से ड्राइव करते हैं ड्राइविंग रोड के ऊपर ही, तो 5 से 10 मिनट की ड्राइव है और आपके राइट साइड के ऊपर जो बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ वन आता है। फेज़ वन में अगर हम बात करें तो इसमें 4 ब्लॉक हैं, साउदर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, सेंट्रल ब्लॉक और नॉर्दर्न ब्लॉक, और इनमें जो है वो आपको 10 मरला के जो है वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। LDA से अप्रूव्ड एरिया है सारा का सारा, और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी मिलती है, यहाँ पे आपको जो है सबसे ज़्यादा रेजिडेंस मिलती है, यहीं पे आपको जो है वो सारी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी मिलती हैं, यहाँ पे आपको बैंक्स भी मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, उसके अलावा जो भी आपकी डे बाई डे की रूटीन की चीज़ें होती हैं, जो भी आपने ग्रोसरी वगैरह करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसी वजह से जो है ये बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ वन जो है वो हमेशा से जो है वो एक हॉट लोकेशन रही है और यहाँ पे लोगों की जो है वो डिमांड रही है और यहाँ पे लोग जो है वो प्लॉट अपना बाय करते हैं अपनी रेजिडेंस के लिए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं और वहाँ पे जो है रेजिडेंस करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो है अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो बिल्डर एंटर हो चुके हैं, बिल्डर यहाँ पे घर बना के बेच रहे हैं, तो वो लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होल्डिंग करते हैं, होल्डिंग करने का जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत इसमें मार्जिन रह गया है वो भी आप जो है उसमें गेन कर सकते हैं, बट आपको उसमें जो है वेट करना पड़ता है और आपको होल्डिंग करनी पड़ती है प्लॉट जो है बाय करके, फ़ौरन से जो है इसमें आपको रिटर्न नहीं मिलता है। तो अगर इसमें हम बात कर लें, मैं इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, पहले मैं बात करूँगा साउदर्न ब्लॉक की, सेंट्रल ब्लॉक की और ईस्टर्न ब्लॉक की, और देन मैं बात करूँगा नॉर्दर्न ब्लॉक की, क्योंकि इन 3 ब्लॉक्स के जो हैं जिसमें साउदर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न शामिल हैं, इन 3 ब्लॉक के जो हैं वो रेट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, जबकि नॉर्दर्न ब्लॉक के जो हैं वो रेट्स एज़ कम्पेयर टू दीज 3 ब्लॉक्स वो डिफरेंट हैं। तो अगर हम बात करें साउदर्न की, सेंट्रल की और ईस्टर्न की, तो यहाँ पे आपको जो 10 मरला का प्लॉट है वो आपको मिल जाता है तकरीबन कोई 58-59 से लेके 75 तक जो है वो प्लॉट्स जाते हैं, जबकि नॉर्दर्न की अगर हम बात करें नॉर्दर्न एक्सटेंशन को इंक्लूड करके तो 44-45 से लेके 57-58 तक जो है, या मैक्सिमम आपको जो है वो 59-60 तक जो है वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। अभी इसमें जो ब्रैकेट्स मैंने आपके डिस्कस किए हैं ये जो है लोकेशन वाइज वेरी करती हैं, डेफिनेटली अगर मैं इसमें जो है कोई मेन बुलेवार्ड का प्लॉट होगा, फेसिंग पार्क होगा, कॉर्नर होगा, या डबल कैटेगरी हो, डबल कैटेगरी मीन्स कि फेसिंग पार्क भी होगा, कॉर्नर भी होगा, मेन बुलेवार्ड भी होगा, कॉर्नर भी होगा, तो उनके रेट्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वेरी करते हैं। फिर उसके अलावा जनरल ब्लॉक्स में, जनरल ब्लॉक्स में फिर जो है वो पीछे अगर बाउंड्री के बाजार है या उसकी लोकेशन जो है वो कंप्रोमाइज नहीं है तो जो मिनिमम ब्रैकेट मैंने आपको बताया उसके रेट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल रहे होंगे। तो जो ब्रैकेट में हम आपको बताते हैं उसमें जो है वो प्लॉट्स लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है उसकी वेरिएशन होती है प्राइसेस की, और वो जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। अब अगर हम नॉर्दर्न ब्लॉक की बात करें तो नॉर्दर्न ब्लॉक में क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी कम है और अगर आप इसके गेट नंबर 1 से एंटर होते हैं तो ये जो है नॉर्दर्न ब्लॉक सबसे पहले आता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्योंकि कम है रेजिडेंस इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, लोग प्रेफर करते हैं वो सेंटर में आए, सेंट्रल ब्लॉक की तरफ जाएँ, ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ जाएँ, साउदर्न ब्लॉक की जाएँ, इस वजह से जो है उसके रेट्स जो है वो कम है, बट ऐसा नहीं है कि उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, सेम लिविंग स्टैंडर्ड है, जो भी बहरिया का लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो आपको वहाँ पर मिलता है और उसको गेट 1 से जो है वो अच्छी अप्रोच भी है, उसके अलावा फिर वो आगे जो है वो आपको फेस 2 के साथ कनेक्ट भी कर देता है, और जो इसके फेज़ 1 के जो दूसरे ब्लॉक्स हैं सेंट्रल, ईस्टर्न और साउदर्न वो भी आपके इसके साथ जो है कनेक्ट होते हैं, जबकि जो सेंट्रल, साउदर्न और ईस्टर्न इनको एडवांटेज ये है कि जो मेन कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी आपकी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं, वो सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, प्लस यहाँ पर रेजिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी जो आपको डायरेक्ट एंट्रेंस मिलती है वो आपको गेट नंबर 2 से जो है वो इसकी गेट डायरेक्ट जो है वो एंट्रेंस मिलती है, और अगर आप यहाँ पर जाकर विज़िट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है,
उसके अलावा आपको हॉस्पिटल भी यहाँ पे मिल जाता है, उसके अलावा आपको जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस वजह से जो है ये तीन ब्लॉक्स जो है वो ज़्यादा हॉट हैं और यहाँ पे जो है प्राइसेस भी उसके अकॉर्डिंगली हैं। अगर आप इन तीनों ब्लॉक्स का और नॉर्दर्न ब्लॉक का कंपेरिजन करें तो तकरीबन कोई 10 लाख का जो है वो डिफरेंस इन दोनों में आ जाता है। लेकिन अगर आपका बजट लो है और आप एक रहना फेज़ वन में चलते हैं, क्योंकि LDS अप्रूव्ड है और सारी फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, दैन आपके लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन नॉर्दर्न ब्लॉक है। लेकिन अगर आप एक अच्छा बजट रखते हैं और 10 मल्ला में आप अपना घर बना के अपनी रेजिडेंस वहाँ पर करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए जो है वो साउथर्न ब्लॉक, सेंट्रल ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक जो है ये अच्छी ऑप्शन है। ईस्टर्न ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम्युनिटी कुछ ज़्यादा है, उसकी रीज़न ये है कि ईस्टर्न ब्लॉक में आपको 5 मल्ला की कैटेगरी भी मिल जाती है और 5 मल्ला की डिमांड जो है वो हमेशा से ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो है ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बाद सेंट्रल ब्लॉक है, उसके बाद जो है साउथर्न ब्लॉक आ जाता है। साउथर्न ब्लॉक में जो है वो आपको 8 मल्ला की भी जो है वो कुछ कैटेगरी मिल जाती है साउथर्न एक्सटेंशन में, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए जो है वो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो अगेन वही बात कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको इन तीन ब्लॉक्स की तरफ जाना चाहिए, 10 मल्ला की कैटेगरी में जो है वो आपको जाना चाहिए। अप्रोच की बात करें तो मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर रिंग रोड जो है वो पास इसके पड़ जाता है, 5 से 10 मिनट में आप रिंग रोड पहुँच जाते हैं इंटरचेंज पर, फिर आप रिंग रोड को जो है वो यूज़ करके पूरे लाहौर में जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। और रिसेंटली हमने देखा है कि बहरिया ऑर्चर्ड में जो है कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और उसको में जो है वो डे बाई डे जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसकी रीज़न यही है कि आपको बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में जो है वो प्लॉट मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बहरिया टाउन में। अगर आपको इसी ब्रैकेट में देखें तो आपको सेक्टर एफ में जाना पड़ता है, और अगर आप लो बजट में जाते हैं तो फिर वो आपको आगे वाले ब्लॉक गाजी ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक और आलमगीर ब्लॉक की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पर रेजिडेंस जो है वो अभी नहीं है। तो इसीलिए जो है वो लोग प्रेफर करें कि वो बहरिया ऑर्चर्ड में जाएं, वहाँ पे जाकर जो अपने प्लॉट्स बाय करें, उन्होंने अपनी रेजिडेंस करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, दोनों पर्पज़ के लिए जो है वो वहाँ पे बाई कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि इसी यहाँ पे बिल्डर भी है, बिल्डर भी यहाँ पे घर बना के सेल कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे इस टाइम जो है बहरिया ऑर्चर्ड बहुत ज़्यादा हॉट बना हुआ है। और बहरिया ऑर्चर्ड में भी बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ वन जो है बहुत ज़्यादा हॉट बना हुआ है। अभी रिसेंटली इसको मज़ीद पॉपुलेटेड करने के लिए यहाँ पे ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वो लॉन्च की गई, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे जो है 5 मल्ला भी कुछ इन्होंने घर भी लॉन्च किए थे जो कि 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, जिसमें आपको 5 मल्ला का घर जो है वो 69,98,000 मिल जाता है, 11,90,000 उसकी डाउन पेमेंट है, 95,000 जो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, और पोजेशन जो है वो आपको 2 साल में प्लान जबकि 3 साल के। तो अगर आप उसमें बुकिंग कराना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको उसमें भी बुकिंग करवा कर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ओवरऑल मिला के जो है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन को प्लस इसका LDS अप्रूव रहना, ये जो है इसको हॉट बनाते हैं और सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग जो है वो इस टाइम यहीं पे हो रही है। तो अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन में 10 मल्ला का, 5 मल्ला का या 8 मल्ला का प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, मेरा सेम नंबर जो है वो ईमो पे भी है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मुझे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है कि 10 मल्ला की जो है वो सिचुएशन फेज़ वन में क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।